नमस्कार, न्यूज टाइम्स में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है रॉयल मेडिकल। कदमा जुस्को स्कूल की मनमानी, 9 माह का फीस जमा कर चुके अभिभावक को झूठा बताया, रसीद देखने से भी किया इनकार। परसूगी से एक छात्रा पिछले 4 दिनों से रहस्यमयी ढंग से लापता, परिजनों ने पुलिस कप्तान से लगाई गुहार। और बंगाल चुनाव को लेकर एसएसपी ने की समीक्षा बैठक, सभी बॉर्डर पर बनेंगे चेक नाका, चलेगा सघन जांच अभियान। और अब खबरें विस्तार से। एक स्ट्रीट वेंडर अपनी मेहनत की पाई पाई जुटाकर 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले अपने बेटे की 9 माह की फीस 16,515 रुपये जमा करता है और बाकायदा उसे रसीद भी दी जाती है, पर बाद में स्कूल प्रबंधन द्वारा यह कहकर उसे खदेड़ दिया जाता है कि उसने मात्र 5,000 रुपये ही जमा किए हैं। इसके लाख कहने के बावजूद कुछ भी सुनवाई नहीं होती है। हम बात कर रहे हैं जुस्को स्कूल कदमा की। इन दिनों स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच ठनी हुई है, मगर जुस्को स्कूल कदमा के मामले ने तो आम लोगों के अलावा अब शिक्षा विभाग और प्रशासन को भी सोचने को मजबूर कर दिया है। मामला एक स्ट्रीट वेंडर से जुड़ा है जो कदमा बाजार में अपनी रेहड़ी लगाकर परिवार का भरण पोषण करता है। उसने जुस्को स्कूल कदमा के 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले पुत्र राजा मैती के 9 माह का फीस 16,515 रुपये जमा किए थे और बाकायदा रसीद भी हासिल की थी, पर अब स्कूल प्रबंधन का कहना है कि उसने मात्र 5,000 जमा किए हैं। रसीद दिखाए जाने पर पिता को खदेड़ कर बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है। इस खबर पर प्रशासन को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, रसीद मिला आपको? हाँ, वो कागज हमको मिला। कितना रुपया का कागज? उतना ही मिला, 16,515 रुपया का। अभी क्या बोल रहा है? अभी जब फीस जमा करने के लिए मेरे भातीजे लास्ट फीस जब एग्जाम खत्म होने के बाद जो रिपोर्ट कार्ड का समय पहुंचा नहीं था, तो मेरा भातीजे जब पहुंचा फीस जमा करने के लिए आया तो बोला जो आपका एक इंस्टॉलमेंट जमा है। कितना? एक इंस्टॉलमेंट मतलब 5,515 रुपया एक इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट नहीं है। बाकी पैसा? बाकी पैसा ऑफिस से पता नहीं क्या हुआ, तो अभय सर के हाथ में जो हम पैसा जमा करते रिक्वेस्ट किए इनको, जो मेरे पास कागज पता नहीं कहाँ है, नहीं मालूम हमको। हाँ, तो बाद में कागज मिला आपको? फिर बाद में जब कागज मिला, जब ऑफिस आया तो ऑफिस में कोई अलाउ नहीं कर रहा, उन लोग एक तो भगा दिया गया, उल्टा एक तो पेपर उन लोग बनाया अपना हाथ से लिख के वो वाला हमको दिखा रहा चिट्ठा जो आप लोग उन लोग का हाथ का लिखा हुआ। इतना ही नहीं, प्राचार्य झूमी नंदी से जब सवाल पूछे गए तो उनके तेवर तो देख लीजिए। नहीं, लेकिन आपके पास जो रिटर्न रसीद दी आपके स्कूल का, प्लीज डोंट डू ऑल दिस नॉनसेंस, दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं आप? नहीं, आई एम नॉट एक्साइटेड। नहीं, मैं गोइंग टू डू दिस सर, आई एम गोइंग टू बी वेरी वेरी एंग्री विद यू इफ यू। उधर परसूडी थाना क्षेत्र से एक छात्रा गत शनिवार से रहस्यमय ढंग से लापता है। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस से गुहार लगाई है, मगर 4 दिनों बाद भी छात्रा का कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। परसूडी थाना क्षेत्र की एक छात्रा बहामुनी मुखी बीते शनिवार से लापता है। परिजनों ने इसकी लिखित सूचना परसूडी थाना को दी है। छात्रा बीते शनिवार को कॉलेज के लिए निकली थी। कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज में छात्रा देखी गई है, इसके बाद से वो रहस्यमयी ढंग से गायब है। इधर मंगलवार को भाजपा नेता विमल बैठा छात्रा के परिजनों और जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय थाना पर मामले को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाते हुए जिले के एसएसपी से तत्काल छात्र को ढूंढ निकालने की मांग की है। उन्होंने बताया कि छात्रा पिछले 4 दिनों से गायब है और पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। मामला है परसूडी थाना का, और ये मामला में बच्ची कॉलेज जा रही है, कॉलेज में फॉर्म फिलअप का समय था उसका, कॉलेज में फॉर्म फिलअप ही करने के बाद वो वहाँ से जैसे लौट रही है, लौटने के बाद वो बच्ची गायब हो गई है। ये बच्ची का नाम मामूनी मुखी है और हम लोग 4 दिन से इनके गार्जियन परसूडी थाना जा रहे हैं, मामला को दर्ज भी कराए हैं, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र एसएसपी डॉक्टर तमिल वानन ने एक अहम बैठक बुलाते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा और पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाए जाने पर चर्चा की। बैठक में बंगाल के भी कई वरीय पुलिस अधिकारी मौजूद थे।
सीमावर्ती राज्य पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जमशेदपुर में एसएसपी कार्यालय में एक अहम बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में नक्सल आपराधिक असामाजिक तत्वों की गतिविधियों की रोकथाम आदि के मद्देनजर विशेष तैयारी की जा रही है। बैठक में जिले के एसएसपी सीआरपीएफ के साथ आसपास सटे बंगाल के एसपी भी मौजूद थे, जहां बंगाल के पहले चरण के चुनाव में पूर्वी सिंहभूम से 70% बॉर्डर एरिया है जो कि नक्सल क्षेत्र है, जिसको लेकर सभी बॉर्डरों पर चेकनाका लगाया जा रहा है, जिसे किसी तरह रुपये शराब या वैसे सामानों पर विशेष रूप से जाँच की जा रही है। तो इसमें हम लोग का जो है 27 तारीख को जाड़ीग्राम एरिया में पहला प्रतिनिधि इसमें उनका इलेक्शन है, बंगाल का विधानसभा इलेक्शन है, तो उसी में हमारा करीब करीब 60-70% हम लोगों को जो बॉर्डर एरिया है वो सब इस फेस में आ रही है। और यहाँ पर जब जाड़ग्राम एसपी से भी हम लोगों को वार्ता हुई थी, यहाँ पर भी कहीं कहीं नक्सल मूवमेंट का सूचना आदान प्रदान होती रहती है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने हेतु और नक्सल को हम लोग कंट्रोल करने हेतु और इसमें पुलिस कर्मी एवं जो इलेक्शन में शामिल है उनके कर्मी को किसी तरह से नुकसान ना हो, इसके लिए हम लोग एक बृहद पैमाने में एक मीटिंग किए थे। तो जो भी नक्सल इलाका है हमारा, गाड़चिल्ला है, पट्टमदा है, मूसाबानी है, वो सभी का डीएसपी, थाना प्रभारीगण और हम लोगों का जो है तैनात सीआरपीएफ का 3 कैंप हैं और उनके सेकंड इन कमांड और उनके कमांडेंट, ये सभी से हम लोग एकत्रित होकर एक बार इसमें हम लोग चर्चा किए हैं। अभी तक हमारे पास क्या सूचना है हमारे पास प्राप्त है और इस सूचना के आधार पर हमने क्या क्या काम कर रहे हैं। शहर में चोरी की घटनाओं पर नकेल कसने से जिला पुलिस पूरी तरह विफल रही है। आए दिन चोरी की घटनाओं में वृद्धि से लोग काफ़ी भयाक्रांत हैं। ताज़ा घटना कदमा फार्म एरिया का है, जहां टाटा स्टील से हाल ही में सेवानिवृत्त हुए कर्मी के घर से लाखों के गहनों पर हाथ साफ कर दिया गया। शहर में चोरों का मनोबल इस तरह बढ़ा हुआ है कि लोग कुछ घंटों के लिए घर छोड़कर गए तो उनके घरों को चोर गिरोह आसानी से निशाना बना रहे हैं। ताज़ा मामला कदमा थाना क्षेत्र के फार्म एरिया में एक घर से चोरों ने लाखों रुपए के गहने पर हाथ साफ कर दिया। बताते चले कि टाटा स्टील से सेवानिवृत्त अभी टाटा स्टील के क्वार्टर में रह रहे थे और अपना घर सोनारी में बनवा रहे थे, तभी अपना घर देखने गए और कुछ ही घंटों के भीतर जैसे अपने घर लौटे तो देखा कि सामान बिखरा पड़ा है, वहीं अलमीरा को तोड़ा गया था। अलमीरा में रखे लाखों रुपए के गहने और कीमती सामान भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। जो आया ना उसी टाइम घर घुसा, घर घुसा तो देखा अलमारी तोड़ा हुआ था, मतलब खुला हुआ था, तो फिर देख रहा उधर ग्रिल भी खुला हुआ, तो हम बोला कोई चोरी उरी होगा सर, तो देखा तो चोरी मतलब चोरी हो गया। क्या क्या चोरी हुआ? यही सोना चांदी सब जितना था। बर्मामाइन स्थित एक कार सर्विस सेंटर में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। जब तक कि फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा आग पर काबू पाया जाता, तब तक सर्विस स्टेशन पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। जहां अगलगी की घटना हुई है वहां से कुछ ही दूरी पर भारत पेट्रोलियम का डिपो भी है। बर्मामाइंस थाना क्षेत्र स्थित बॉस कार सर्विस सेंटर में सोमवार देर शाम अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। उधर अगलगी की सूचना मिलते ही टाटा स्टील और झारखंड अग्निशमन विभाग की 5 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। वैसे जिस जगह अगलगी की घटना हुई है वहीं इंडियन ऑयल का डिपो भी है, इसको लेकर अग्निशमन विभाग की ओर से कड़ी मशक्कत की गई। वहीं स्थानीय लोग भी आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे, फिलहाल आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि इस अगलगी में सर्विस सेंटर में मौजूद 7-8 गाड़ियां पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, जबकि एक प्लाई गोदाम में भी आग लग गई थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस अगलगी में करोड़ों का नुकसान हुआ है। सूचना मिली कि ऐसे बॉस कार सर्विस सेंटर है जो माल गोदाम के पास में स्थित है, बगल में हिंदुस्तान पेट्रोलियम का भी ऑफिस है, वहाँ पर आग लगी हुई है। हम लोग परिस्थिति से फायर को सूचित करते हुए यहाँ पहुँचे। फायर की गाड़ी भी अब लंबा आ चुकी है यहाँ पर आई और यहाँ पर 5-5 गाड़ियाँ लगी हुई हैं।
आग नियंत्रण में लगभग हो चुका है। मेरे पहले ही कुछ प्लाईवुड वाली गोदाम का प्लाई और कार कुछ क्षतिग्रस्त हुआ है। अब अंदर में जब आग नियंत्रण में हो जाएगा फिर देखा जाएगा। इंडो जर्मन बेस्ड फैब्रिकेशन कंपनी कुकन अब गारमेंट उद्योग में भी अपने हाथ आजमाने जा रही है। 16 से 21 मार्च तक चलने वाले लक्मे फैशन वीक में कोकून के ब्रांड लॉन्च किए जाएंगे। इंडो जर्मन बेस्ड फैब्रिकेशन कंपनी कोकून इस साल से गारमेंट उद्योग में अपना हाथ आजमाने जा रही है। 16 से 21 मार्च तक चलने वाले लक्मे फैशन वीक में 18 मार्च को जमशेदपुर से अपने ब्रांड का कोकून लाइव लॉन्चिंग करेगी। सरायकेला खरसवा जिले के सुदूर इलाकों में संस्था काम करती है। संस्था मुख्य रूप से झारखंड के हस्तशिल्प का ब्रांडिंग कर उसका प्रचार प्रसार करती है। किस लिए बुलाया, क्या है आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये कंपनी कुकून ने बुलाया है। ये कुकून जो है एक इंडो जर्मन वेंचर है। इसका मतलब ये इंडिया और जर्मनी के टेक्नोलॉजी को मिला करके एक कंपनी बनाया गया है, जिसमें पहले ये कंपनी सिर्फ फैब्रिक्स में डील करती थी, बट इस साल गर्व की बात है कि लैक्मे फैशन वीक में हमारी कंपनी ने अपना एक झंडा फहराया है, जिसमें पहला कलेक्शन हमारी कंपनी का लॉन्च हुआ। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, लेकिन क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज टाइम्स। हेडलाइंस के प्रायोजक है रॉयल मेडिकल। All medical facilities available. Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674, 7070343333। Welcome to city's favorite play school, laugh and learn. खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि, एकदम सरल, बिल्कुल स्वस्थ, सुरक्षित और उन्मुक्त वातावरण में आपके बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कामयाब पहल। The best play school of your town, laugh and learn. Beautiful concept with quality as well. Learning through playway method. Prepare your child with love and care. Well qualified teachers. आपके बच्चों की बुनियादी शिक्षा के लिए एक कामयाब पहल. With all facilities, providing your child the best pre-nursery education by playway method.
physical, mental and emotional growth of your child. Laugh and learn. Playgroup Nursery Kindergarten based on CBSE board. गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE affiliated, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cake, wedding cake. All types of biscuits, marriage anniversary cake and school order specials. Please do visit with your friends and family. बाजार, जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार, शादी ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी वाजिब मूल्य, शूटिंग शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे, त्योहारों में अपने मित्रों
और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा चोली की दिलकश कलेक्शंस, इतना ही नहीं अंडर गारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार हाउस नंबर 234 ए ब्लॉक अपोजिट एमबी ज्वेलर्स मेन रोड सोनाई। कॉन्टैक्ट 9334617289 9304249768। Iconic Overseas Services approved by Ministry of External Affairs, Government of India। विदेशों में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, आपके सुंदर और उज्जवल भविष्य और आपके सपनों को साकार करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म। भारत सरकार विदेश मंत्रालय से मान्यता प्राप्त। यदि आपके पास है तकनीकी दक्षता तो तुरंत हमसे संपर्क करें। ढेर सारी सुविधाओं के साथ आकर्षक वेतनमान। Iconic Overseas Services, Road Number 2, Magdampur, Post Tata Nagar, Parsuri, Jamshedpur। Contact 9693916751, 9693916752 and 0657229980।